सर सोचता तो बहुत सारा हूं, लिस्ट भी बहुत बनाता हूं, लेकिन सर ये सारे काम मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता हूं। सर मुझे पता है मेरी ग्रोथ के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन आज मैं नहीं कर पा रही हूं, आज मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं गिव अप कर देता हूं, मैं चीजों को पोस्टपोन कर देता हूं, मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देता हूं, मैं टालमटोल कर देता हूं। दोस्तों कितने लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये सवाल एक कॉमन सवाल है जो कि एक बिजनेसमैन का है, स्टूडेंट का है, प्रोफेशनल्स का हो सकता है, एक हाउसवाइफ का हो सकता है। दोस्तों हर एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, प्लान करते हैं बहुत सारी चीजें लेकिन कर नहीं पाते टाइम पे। बहुत कम लोग होते हैं जो कि जो चीज प्लान करते हैं उसे टाइम पे कर देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी से कैसे बचें। जी हां, ये बीमारी ही है जो कि आपको खोखला कर रही है, आपसे अपनी ग्रोथ को छीन रही है। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं, एंड इस वीडियो में जो टिप्स दे रहा हूं बहुत ही काम के हैं। पेन पेपर तैयार रखिएगा और ना सिर्फ इतना, शेयर बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप के अपने सभी ग्रुप्स पे अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कर दें। दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टालमटोल करने की आदत, यानी कि कोई भी चीज आज है कर सकते हैं उसको कल पे धकेलने की आदत, बहुत ही गंदी आदत है, बीमारी है। मैं कई बार लोगों को ट्रेनिंग देता हूं और लोगों को कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है जिसका इस्तेमाल आप सोते जागते दिन रात हर समय करते हैं, और उत्तर आता है कम्युनिकेशन स्किल। हर एक डीलिंग में आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन आप कुछ कर रहे हो, चाहे आप टाइप करके कर रहे हो, चाहे बात करके कर रहे हो, चाहे आप सोच रहे हो, चाहे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे आप सेल्स कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो या मीटिंग ले रहे हो या नेगोशिएट कर रहे हो, हर जगह कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। मैं लोगों से ये पूछता हूं कि क्या ये स्किल आपकी सफलता के चांस बढ़ा सकती है, 100% बढ़ा सकती है। अगर आपका प्रेजेंटेशन या सेलिंग स्किल अच्छी हो गई तो क्या आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, 100% बढ़ सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं क्यों नहीं करते है? सर करते तो हैं लेकिन होता नहीं है, सर बाद में करेंगे, आराम से करेंगे, कल करेंगे, टालमटोल। आपको पता है कितना खतरा बढ़ जाता है, मैं आपको बताता हूं। 2007 तक मुझे कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं आता था। 2007 में पहली बार मैंने सीखा कि प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के हर फील्ड की मास्टरी करनी चाहिए। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 तक मैं नौकरी में था, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 2007 से 2010 तक मैंने इसे अच्छा सीखा। एंड 2010 से 2021 में आज हम बैठे हैं, इसने मुझे क्या दिया, इस स्किल ने मुझे 35 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स दिए आज की डेट में, जिनमें से 15 लाख आप देख सकते हैं YouTube पे हैं। ये वो 35 लाख लोग हैं जिन्होंने मेरे लाइव वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए हैं। इसके अलावा इस स्किल ने मुझे यूनाइटेड नेशंस जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका दिया, वहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के पूरी दुनिया को एड्रेस करने का मौका दिया, जो कि यूनाइटेड नेशंस के वेब टीवी पे लाइव था एंड आर्काइव्ड है। दोस्तों कितना सम्मान, कितना प्यार, कितना पैसा, पैसा भी बहुत मिला, अच्छी गाड़ियां मिली, अच्छी लाइफस्टाइल मिली, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी दी, बड़ी से बड़ी कंपनीज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली इस एक कला से। क्या आपको इसे सीखना चाहिए, 100% सीखना चाहिए, लेकिन आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, पोस्टपोन करने की बीमारी, आगे धकेलने की बीमारी, टालमटोल करने की बीमारी, प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी। अगर मैं इस बीमारी से ग्रसित होता तो करोड़ों रुपए मेरे बैंक अकाउंट में से चला जाता या नहीं आता, जो आया है वो नहीं आता, मैं कभी यूनाइटेड नेशंस में नहीं पहुंच पाता और कई सारी चीजें नहीं कर पाता, ना सिर्फ इस फील्ड में, हर फील्ड में ये मुझे हर एक फील्ड में मार रहा है, गिरा रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है। आपका भी ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ऑलरेडी कर चुका है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 10 साल पहले आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती, आपकी सेलिंग स्किल बहुत अच्छी होती, या हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती, या जो जो आप करना चाहते थे वो 10 साल 15 साल पहले या 5 साल पहले कर लेते, तो क्या आज आपका बैंक बैलेंस होता 100%, ज्यादा पैसा होता 100%, क्या आपके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते 100%, आप में से हर एक आदमी ज्यादा सफल हो सकता था। दोस्तों ये बहुत घातक बीमारी है और इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें, तो सबसे पहली चीज जो मैं इससे छुटकारा पाने के लिए करता हूं वो ये है कि मैं एक लिस्ट बनाता हूं कि जो भी चीज मुझे करनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, जो भी सीखना है, उसको सीखने से मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनको डिटेल में लिखना है, डिटेल में लिखना है।
लिखते जाएं, क्या फायदा हो सकता है? अगर मैंने कम्युनिकेशन स्किल किया या इंप्रूव किया तो उससे मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, व्हाट ऑल द थिंग्स कैन आई अचीव। और मैंने लिखना शुरू किया कि मैं इससे बहुत लोगों के दिल में बस सकता हूं, इससे मेरा पॉपुलैरिटी हो सकता है, इससे मेरी लाइफ में सर्टेनिटी आ सकती है, सिक्योरिटी आ सकती है, मैं हर फील्ड में सफल हो सकता हूं, मैं मैनेजर बनूं तो सफल हो सकता हूं, पॉलिटिशियन बनूं तो सफल हो सकता हूं, इससे मेरे माँ बाप का गौरव बढ़ेगा, मैं किसी भी जगह पर मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कहीं पर भी भीड़ में जाऊंगा, किसी मीटिंग में जाऊंगा तो मुझे कॉर्नर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे चुप होकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितने सारे फायदे ही फायदे मैं लिखता गया। अगर आपको सेल्स सीखना, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो लिखिए कितने सारे फायदे हो सकते हैं। और एक और पेपर लीजिए और उस पर लिखिए, अगर आज नहीं सीखा तो फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना पैसों का नुकसान हो सकता है, किस लेवल का नुकसान हो सकता है, लिखिए दोस्तों। सो सबसे पहले जब आप अपने माइंड को यह बताएंगे कि इस पर्टिकुलर चीज को सीखने से या करने से या ये काम आज का आज करने से या आज का आज पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और बड़ा चढ़ा के जब आप फायदे बताएंगे, माइंड को बहुत सारे कारण मिलेंगे उस काम को करने के और माइंड उसे जल्दी करेगा। देखिए आपका माइंड बड़ा कैलकुलेटिव है, जब उसको फायदा दिखाई देता है तो वो आपको काम करवा लेता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगा, कई ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं करना चाहते लेकिन आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, या आपने कई सारे लोगों को बोल दिया है इसलिए अब करना ही पड़ेगा, या कई सारे लोग आपको देख रहे हैं इसलिए आप करते हैं, क्योंकि अब आपके माइंड पे खोने का डर है। जब तक माइंड को कुछ खोने का डर नहीं होता, माइंड कुछ एक्टिविटी नहीं करता। तो जब आपने बहुत सारे फायदे लिखे और इतने सारे फायदे लिखने के बाद आप इसको नहीं करते तो माइंड को अब पता है कि क्या खोने वाला है माइंड अगर आपने ये नहीं किया तो, और एट द सेम टाइम नुकसान भी लिखिए तो माइंड कहेगा वो क्या नुकसान सच में करने वाला है अपने। तो फायदे और नुकसान की कैलकुलेशन आपका माइंड करता है, और अगर आपने ये किया तो आई एम टेलिंग यू बहुत हद तक आपका प्रोक्रास्टिनेशन कम हो जाएगा, या कम से कम उन एरियाज में तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं रहेगा जो आपको बहुत ग्रोथ दे सकते हैं। इज दैट ओके? दूसरी चीज दोस्तों, मेरा सबसे सिंपल तरीका है, अपनी स्ट्रैटेजी को समझो और उसे इस्तेमाल करो। जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं सबसे ज्यादा काम कब कर पाता हूं, मैं सबसे ज्यादा काम तब कर पाता हूं जब मैंने लोगों को कमिट कर दिया। आपके घर में आपके किसी की शादी है मिलने वाले की, और अगर डेट डिसाइड हो गई, डेट डिसाइड होने के बाद आप देखिए कैसे आप सारे काम टाइम पे कर देते हैं। जब तक डेट डिसाइड नहीं होती तब तक आप टाल मटोल करते रहते हैं, देखते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, आज नहीं कर सकते, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही डेट डिसाइड हो गई आप सारे काम करने लगेंगे। डेट डिसाइड कर दीजिए और दुनिया को डिक्लेयर कर दीजिए, इस डेट को मैं ये करूंगा, इस डेट को मैं ये करूंगा, कमिटमेंट कीजिए। जब कमिटमेंट करेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और आप करते जाएंगे। ओके, तीसरी चीज दोस्तों, कई बार कई चीज़ें ज़रूरी होती है और ना तो आप कमिटमेंट किए हुए होते हैं और वो फ़ायदे नुकसान का कैलकुलेशन करने के बाद भी शायद आप नहीं कर पाएं। ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना उसको निपटा डालो यार। देखिए ब्रेन का एक हिस्सा अगर किसी चीज़ को लेके ऑक्यूपाइड है, कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड है, तो आपकी ऊर्जा को खा रहा है वो, आपकी रियल पोटेंशियल को कंज्यूम कर रहा है वो। इस ऊर्जा को हमें बचाना है, इस ऊर्जा को हमें बढ़ाना है, तो वो हमारा ऊर्जा ना खा सके। इसके लिए जो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं फटाफट कंप्लीट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग करता हूं और ट्रेनिंग के फील्ड में कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे कि अकाउंटिंग करना, जैसे कि अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान देना, तो मैं अपनी टीम को कहता हूं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर मेरे को बता दो क्या क्या करना है, और हम लोग सबसे पहले इसी की मीटिंग लेते हैं, खत्म करते हैं ताकि आगे बढ़ सके। दोस्तों जब आप ये करने लग जाते हैं तो आप में से हर एक आदमी का माइंडसेट बदलने लगता है। सो मुश्किल चीजों को लीजिए, फिनिश कर दीजिए। दोस्तों अगली चीज, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे और देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा चाहिए आपको, आप देखते हैं अपना फिर सुनहरा फ्यूचर चाहिए, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चाहिए, आपकी लाइफ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसा कमिटमेंट चाहिए, ऐसे लोग आपको देखें, ऐसे आपके बारे में धारणा बनाएं, जब ये सारी चीजें होती है तो आपका माइंड बड़ी पिक्चर देखने लगता है, और जब आपका माइंड बड़ी पिक्चर देखने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस पिक्चर से रिलेट करने लगता है। आपका माइंड कहता है ओके I really want to do it, I want to live like this, and जब आपका माइंड बार बार किसी चीज को विजुअलाइज करता है तो आपका माइंड बिलीव करने लगता है that you can do it, आपके माइंड में एक डीप डिजायर पैदा होने लगती है कि मुझे तो ये करना ही है, और जब आपके माइंड में डीप डिजायर आती है तो आपका माइंड उसे करने की कोशिश करता ही है, 100% करता है, कोशिश नहीं 100% करता है, क्योंकि जब डिजायर बड़ी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक्शन भी बड़े होने लग जाते हैं। ओके,
चौथी चीज दोस्तों, एक कोच अपॉइंट कर लीजिए, एक पर्सनल कोच अपने लिए रख लीजिए। जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो पर्सनल कोचिंग या ग्रुप कोचिंग जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब आपके पास कोच होता है तो आपके पास एक प्रेशर होता है, आपकी जेब से थोड़ा पैसा जाता है, आपने जेब से पैसा गया, कोच का प्रेशर है, कोच का फोन है, कोच आपसे मिल रहा है, कोच आपसे बात कर रहा है। ये चाहे लिखने का कोचिंग हो, चाहे आपको सीखने का कोचिंग हो, मेरे को अंग्रेजी सीखनी थी, मैं पोस्टपोन कर रहा था 1996 से 2005 तक पोस्टपोन कर रहा था, एंड 2005 में मैंने कहा इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो मैंने कोच रख लिया। एंड कोच रखने के बाद ये सेम चीज जो मैं 10 साल तक पोस्टपोन कर रहा था, 3 महीने में मेरी जिंदगी में आ गई दोस्तों। सो कोचिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अगली चीज जो कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन या टालमटोल से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है, वो है जबरदस्त ग्रुप। आप ऐसा ग्रुप तैयार कीजिए जहां पे सभी लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हो। ऐसे ग्रुप में जुड़ जाइए आप ऐसी जगह पे जुड़ जाइए जहां पे लोग इसके बारे में बहुत सजग है। अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में चले जाइए। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो ऐसे लोगों के पास चले जाइए जो कि ऑलरेडी उस चीज को सीख रहे हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत अगर आपको सीखना है, या आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ सीखना है, या आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ सीखना है, तो ऐसे लोगों के पास चले जाइए और इन लोगों के पास मिलना शुरू कीजिए। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे टू डू लिस्ट बना लो, या डन लिस्ट बना लो, या इन लिस्ट को अपने सामने रखो, जो जो काम होता जाए उस पर टिक करते जाओ, अपने आप को पनिश करो, सेल्फ रिव्यू करो, रोज रात को 5 मिनट 10 मिनट बैठ के आपके अंदर झांको। ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है जिसे मैं कहता हूं कैच योर पैटर्न। दिन भर में क्या हुआ इसे पकड़ो और इसमें क्या क्या गलत हुआ उसको समझो एंड उसके ऊपर एक्शन लो। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपका समय बचे, जो काम आपको कल करना था वो आप आज कर सकें, आज जो कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कहावत क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। लेकिन हम लोग लाइफ को अलग तरह से जीते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते हैं जीना है अभी परसों। दोस्तों जल्दी तो करना पड़ेगा, हम में से हर एक इंसान को जिंदगी बनानी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हमें कमाना है। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी अपने माता पिता, अपने देश, अपने गुरुओं का, सभी का नाम रोशन करे, और उसके लिए आपको इस आदत, इस बीमारी से छुटकारा पाना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी असरदार और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, डिटेल में लिख के बताइए कि आपने क्या सीखा, व्हाट इज योर टॉप लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।